नमस्कार दोस्तों, जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिए। ठीक है जी, अब आपके लिए जो बिग अपडेट आई हुई है दिल्ली की तरफ से, जो कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देंगे। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करें, यही रिक्वेस्ट बार बार करता हूँ। फिर आप बार बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछते हो हर एक चीज़, इसलिए मैं यही रिकमेंड करूँगा कि कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करे। हर एक वीडियो के स्टार्टिंग में मैं बोलता होता हूँ, ठीक है जी, ये ज़रूर नोटिस किया कीजिएगा। अब आपके लिए बता देते हैं आपको, जो कि सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है जी, सेंट्रल की तरफ से यानी कि दिल्ली की तरफ से ये फॉर्म ओपन हुए हैं HC स्पोर्ट्स कोटे के लिए, जो कि स्पेशली रिक्रूटमेंट है। सारे का सारा फॉर्म ऑफलाइन है, ठीक है जी, सारी डिटेल इस वीडियो में देंगे, बस वीडियो को कोई भी कैंडिडेट स्किप ना करे, ठीक है। अब आप मेन पहले बात कर लेते हैं ये चार चीज़ों की, जिसमें फीस की बात हो जाएगी, इंपॉर्टेंट डेट की बात हो जाएगी, एज की और सिलेक्शन प्रोसेस की बात हो जाएगी। स्टार्टिंग डेट की बात कर लें तो अभी तक कोई भी स्टार्टिंग डेट नहीं आई है। जैसी कोई स्टार्टिंग डेट आती है तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा इस चैनल पर। और इसके बाद लास्ट डेट 31 मार्च है जी, 31 मार्च 2022 के शाम के 5 बजे तक, 31 मार्च लास्ट है जी। ये मान लीजिए अभी ये फॉर्म जनवरी में अभी शुरुआत हो जाएगी, जैसे ही शुरुआत होती है आप फिलअप कर सकते हो। बट आपके लिए मेन इन्फॉर्मेशन जो है मैं देने जा रहा हूँ, ये जरूर देखिएगा। इसमें सिर्फ फीस 100 रुपया है, SC ST के लिए कोई भी फीस नहीं है। अगर जनरल से हो, OBC से हो, इकोनॉमिक वीकर सेशन से हो, 100 रुपया फीस है। SC ST के लिए कोई भी नहीं है। और आपने IPO के नाम पर DD कटवाना है, डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। और उसके बाद आप एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो 18 से 23 साल एज लिमिट मांगी हुई है। कब तक? 1 अगस्त तक, यानी कि 1/8/2021 तक, ठीक है। और उसके बाद मेन बात करते हैं आप सिलेक्शन प्रोसेस की। सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फिर आपका ट्रायल टेस्ट होगा 20 मार्क्स का, फिर उसके बाद प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका 40 मार्क्स का, फिर उसके बाद आपका मेडिकल होगा। ये चीज़ें आपके होने के बाद ही आपको अपॉइंट किया जाएगा। अब आप बात कर लेते हैं टोटल में पोस्टों के बारे में। टोटल पोस्टें 249 यानी कि 249 है, जिसमें से 181 मेल की है यानी कि 181, और 68 यानी कि 68 पोस्टें फीमेल कैंडिडेट के लिए हैं स्पेशली, ठीक है। इसमें क्राइटेरिया की अब बात कर लेते हैं। ये तो होगी पोस्टों की डिटेल के बारे में, अब क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। पहले पोस्ट नेम हेड कांस्टेबल, ठीक है जी, हेड कांस्टेबल सेंट्रल की तरफ से निकली हुई है। हेड कांस्टेबल की 249 हैं, इसमें +2 मांगी हुई है। और स्पोर्ट्स कोटे की मेन ये पोस्ट है, ठीक है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। जिन कैंडिडेट ने वीडियो स्किप किया, 1% भी उनको इन्फॉर्मेशन नहीं पता लगी, ये जरूर ध्यान दीजिए भी स्पोर्ट्स कोटे की है। पोस्ट का नेम है कांस्टेबल और GD अंडर स्पोर्ट्स कोटे की आती है। पहले इंडिविजुअल इवेंट के लिए आपका सीनियर जूनियर इंटरनेशनल टूर्नामेंट मांगा हुआ है, अगर वो नहीं है तो जूनियर नेशनल गेम्स चैंपियनशिप मांगी है, अगर वो भी नहीं है तो नेशनल गेम्स या नेशनल चैम्पियनशिप सीनियर जूनियर लेवल पे है, या कोई भी एनी मेडल इन ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप, ठीक है। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो नेशनल स्कूल गेम चैम्पियनशिप होगी, वो अगर वो है आपके पास तो आप इंडिविजुअल इवेंट में अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं टीम इवेंट की। अगर आपने जूनियर कंट्री के लेवल पर खेला है गेम तो इंटरनेशनल टूर्नामेंट है तो आप टीम इवेंट में आओगे, ठीक है। अगर कोई भी आपने नेशनल टीम कंपटीशन में कोई भी मेडल वॉन किया हुआ है, जीता हुआ है, उसके लिए आप टीम इवेंट में आओगे। अगर आपके पास स्टेट टीम या इक्विवेलेंट यूनिट का यानी कि नेशनल चैम्पियनशिप का सीनियर जूनियर लेवल का आपके पास गेम का सर्टिफिकेट है तो आप उसमें टीम इवेंट में आओगे। अगर आपके पास मेंबर ऑफ मेडल विनिंग टीम इन ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट लिया हुआ है तो आप टीम इवेंट में आओगे। अगर गोल्ड मेडल है नेशनल स्कूल गेम चैम्पियनशिप में तो भी आप टीम इवेंट में आओगे, ठीक है। अब आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में ये देख सकते हो, फिजिकल स्टैंडर्ड जिसमें सभी कैंडिडेट के लिए हाइट सेम है जी, ठीक है, और
67 सेंटीमीटर है, और मेल के लिए है, और चेस्ट मेल के लिए 81 से 86 सेंटीमीटर है। और फीमेल की बात कर लेते हैं तो हाइट 153 यानी कि 153 सेंटीमीटर है। और रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं, और इन कास्ट के लिए रिलैक्सेशंस भी हैं, ये आप देख सकते हो, मैन की 160 सेंटीमीटर है, और चेस्ट मैन की 81 से 86 सेंटीमीटर है, और वुमेन की सेम ही है 153 सेंटीमीटर चेस्ट हाइट। ठीक है जी, ये जरूर ध्यान दे लीजिएगा। अगर कैंडिडेट सब डिवीज़न में आते हैं, इन डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, ये जो डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट दे रखी है आपको, अगर इन डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं कैंडिडेट, ठीक है, तो उनके लिए हाइट मैन के लिए 160 सेंटीमीटर है, और 81 से 86 सेंटीमीटर है चेस्ट, और वुमेन के लिए 153 सेंटीमीटर हाइट है। ठीक है, अगर शेड्यूल कास्ट ट्राइब से आते हैं तो 160 सेंटीमीटर सेम सारे सभी की सभी सेम है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आप बात कर लेते हैं वेट, वो मेडिकल के डिपेंड पर रिकॉर्ड पर डिपेंड करेगा भी आप फिजिकल में एलिजिबल होते हो या नहीं होते हो। अब आप उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपने फॉर्म कहाँ पे सेंड करना है, मेन बात आती है फॉर्म सेंड करने की, आपको ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन में ये सारी डिटेल मिल जाएगी भी, जोन से आपने गेम में पार्टिसिपेट लिया है उस गेम वाइज डाई इंस्पेक्टर जनरल को आपने ये भेजना है, डाई इंस्पेक्टर आगे लिखना है, जनरल लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने गेम वाइज एड्रेस लिखना है। ठीक है, और उसके ऊपर फॉर्म के ऊपर लिखना है पोस्ट ऑफ द हेड HC स्पोर्ट्स कोटा, यहाँ पे गेम का नेम, अगर आप मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल। ठीक है जी, अब आप और बात कर लेते हैं जैसे ऑफिशियली नोटिफिकेशन की। ठीक है, ये ऑफिशियली वेबसाइट है जो कि आपको ऑफिशियली वेबसाइट दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक फॉर्म ओपन नहीं हुए हैं। ठीक है जी, जैसे ही ओपन होंगे आपको पूरी डिटेल बता दी जाएगी, यहाँ पे डिस्प्ले भी हो जाएगा। ठीक है, अभी डिसकंटिन्यू है साइट, जैसे ही कंटिन्यू होती है तो भी आपको आप इस चैनल पर आपको नोटिफाई करवा दिया जाएगा। ठीक है, ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो कि आपको, ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन आज से 2-3 दिन पहले इशू कर दिया गया था आपको, पूरी इंफॉर्मेशन देने के लिए भी ये पोस्टें खुल रही हैं, और इसकी क्लोजिंग डेट 31 मार्च 2022 बता रखी है, और क्लोजिंग नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए 7 अप्रैल बता रखी है। ठीक है जी, 249 पोस्टें हैं टोटल में। ठीक है, और उसके बाद आप बात कर लेते हैं जो कि अपने पे मेन चीज़ें रह गई हैं, अगर आप एथलेटिक के कैंडिडेट हो, एथलेटिक से आपने खेला हुआ है डिसिप्लिन से, तो आपकी ये रेस क्राइटेरिया है। ठीक है, हाई जंप लॉन्ग जंप ये सारी डिटेल बता रखी है, कितने मीटर मैन के लिए हैं कितने मीटर वुमेन के लिए, सारी डिटेल्स आपको बता रखी हैं। ठीक है, अगर आप कौन सी पोजीशन में हैं उसके लिए कितनी रेस होगी ये आप देख सकते हो, और क्योंकि जिन कैंडिडेट ने गेम खेली है उनको इनका मतलब ज़्यादा बेटर मेरे से पता होगा। ठीक है, अब आप बात कर लेते हैं जिन्होंने बॉक्सिंग में किया है उनके लिए ये सारी डिटेल बता रखी है। ठीक है, ये बॉक्सिंग वाले कैंडिडेट इसको रीड आउट कर सकते हो। उसके बाद यानी कि हर एक के लिए अलग अलग के लिए अलग अलग वेटेज, अलग अलग रेस, अलग अलग सब कुछ डिटेल इसमें दे रखी है। जो जो कैंडिडेट जिस जिस गेम से लिंक रखते हैं वो गेम को गेम के ये रूल्स भी जानते हैं, ये सारी डिटेल्स भी वो कैंडिडेट जानते हैं, अपनी गेम के हिसाब से सारी डिटेल्स नोट रीड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद जो कि मैं आपको मेन बात करते हैं पे स्केल के बारे में। ठीक है जी, पे स्केल कितना रहेगा, क्या कुछ रहेगा पे स्केल, ये आप देख सकते हो 25,000 से लेके 81,100 प्लस यूजुअल अलाउंस। ठीक है जी, ये आपका 25,000 तो 25,500 तो मिनिमम है, और एज की बात कर लेते हैं तो आपकी एज 18 से 23 साल मिनिमम मैक्सिमम होनी चाहिए, कब तक, 1 अगस्त 2021 तक, यानी कि 1 अगस्त तक। ठीक है जी, ये डिटेल्स आप जरूर नोट करिए कीजिएगा, पूरी डिटेल रिलैक्सेशन की भी आपको बता दी गई है, क्वालिफिकेशन मैंने पहले ही बता दी है, 12th होनी चाहिए प्लस में स्पोर्ट्स कोटा होना चाहिए। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में, ये मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में, आईसाइट के बारे में बता रखा है, और सबसे बड़ी बात आपका कोई भी टैटू नहीं होना चाहिए आपके हाथ पर। ये गेम प्रोसेस, टीम वर्क और इंडिविजुअल टीम इवेंट के लिए मैंने जो डिटेल्स आपको बताई थी। हाँ, मेन बात आती है ये वाली,
ये जरूर ध्यान दीजिए कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, तो वो फॉर्म ABCDE वो फॉर्म आपने फिलअप जरूर करना है साथ में, वो आपको इसी ऑफिशियली नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। ये जरूर देखिए, पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, नेक्स्ट स्टेप ट्रायल टेस्ट होगा, उसके बाद प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा जिससे आप गेम के एक्सपर्ट हो उसका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर ड्रॉ निकलेगा फाइनल लिस्ट आउट का। ठीक है जी, ये आप सारा डिटेल चेक कर सकते हो, और उसके बाद ड्रॉ आने के बाद आपका मेडिकल होगा। ठीक है, अभी तक कोई भी वो आया नहीं है, अभी कैसे आपने फीस के बारे में 100 रुपया फीस बताई हुई है, आपने पोस्ट ऑर्डर दे देना है या डिमांड ड्राफ्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कटवा देना है। जैसे कोई भी अपडेट आती है, क्योंकि अभी तक डिमांड ड्राफ्ट के लिए भी अभी तक कोई भी इन्होंने कह लें अकाउंट नहीं दिया हुआ, जैसे ही अकाउंट कोई आ जाएगा या कोई और डिटेल आ जाएगी तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी, अब आप बात करते हैं उसके बाद नेक्स्ट डिमांड ड्राफ्ट किसके भी विर में। हाँ, ये देखिए, अगर आप जिस जिस कैटेगरी से हो, मेन बात जो आपके देखने की है ये जरूर देखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जैसे एक मैं दो गेम्स के बारे में बताऊंगा, बाकी आपने खुद रीड आउट करना है, एथलेंटिक और बॉक्सिंग। अगर आप एथलेंटिक से हो तो आपने जो पोस्ट ऑर्डर यानी कि डिमांड ड्राफ्ट देना है वो डिप्टी डिमांड DDO CISF CZ बलियाई इसके नाम पर कटवाना है। और अगर आप बॉक्सिंग से हो, माहीपलपुर पर आपको डिमांड ड्राफ्ट कटवाना है, और आपने भेजना कहाँ पे, ये एड्रेस पूरा दे रखा है। ठीक है जी, यही मैंने पहले आपको बताया था, जो कि आपने फॉर्म फिलअप कर लिया, सपोज कीजिए आपने सारा फॉर्म फिलअप कर लिया और आपने भेजना कहाँ पे, वो मैंने पहले भी आपको बताया था। आपने ये लाइन तो लिखनी है, डाई इंस्पेक्टर जनरल, और उसके बाद गेम वाइज अपना एड्रेस लिखना है। गेम वाइज एड्रेस कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको बताया मैंने, ये पेज नंबर है 11 नंबर पेज पर ये सारा डिमांड ड्राफ्ट भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है जी, आपने कोई भी बैंक ड्राफ्ट नहीं कटाना, डिमांड ड्राफ्ट कटाना, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर बैंक ड्राफ्ट कटवाओगे स्टेट बैंक इज विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है जी, अगर डिमांड ड्राफ्ट है तो इस पर आपने ये एड्रेस पर कटवाना है, अगर आपने पोस्ट करना है तो आपने इस एड्रेस पर अपनी गेम वाइज चेक कर लीजिएगा। अगर कोई मान लीजिए बॉक्सिंग से नहीं है, मान लीजिए कोई बास्केटबॉल से है, तो वो इस पर डिमांड ड्राफ्ट कटाता तो आपका फॉर्म वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। जिस गेम से आपने पार्टिसिपेट लिया है, जैसे और मान लीजिए जैसे आपने हॉकी से किया है, तो आपका ये एड्रेस है, ये एड्रेस आपका डाई का जहाँ पे भेजना है, ये आपका जहाँ पे आपका सॉरी डिमांड ड्राफ्ट कटवाना है जिस नंबर पर, ठीक है, ये आपका एड्रेस है। ठीक है जी, ये प्रॉपर वे में है, ये आपने ज़रूर नोटिस करना, मैंने ऊपर भी बताया है आपको, ये ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। ये देख सकते हो, नेम ऑफ द ऑफिसर हु एप्लीकेशन विल शुड बी सेंट, एप्लीकेशन आपने सिर्फ और सिर्फ इस पर ही कटवानी है, किसके फेवर में कटवानी है वो इसमें एड्रेस मिल जाएगा, और पेबल का किस में करवानी है पोस्टल के पर, ये एड्रेस आपने देना है। ठीक है, ये आप प्रिंट आउट भी साथ में ले जा सकते हो, जो बैंक वाले होंगे अपने आप भी फिलअप कर देंगे। ठीक है जी, ये आपको पूरी इंफॉर्मेशन आपको 11-12 नंबर पर मिल जाएगी। सारे के सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लगाने हैं, सेल्फ टेस्टेड सॉरी फोटोकॉपीज लगा के सेल्फ टेस्टेड करने हैं, सेल्फ टेस्टेड करके ही आपने साथ में भेजने होंगे। और इन नंबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए इन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, ऑफिशियली नंबर हैं, सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 5:30-6 बजे तक ही कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में सारी डिटेल्स मिल चुकी हैं। ये ऑफिशियली आपका फॉर्म है, जो कि आपने सारे का सारा फॉर्म फिलअप करना है। जो कैंडिडेट कहते हैं सर हमें फॉर्म भी फिलअप करना बता दीजिए, मैं वो फॉर्म भी फिलअप करना बता दूंगा। उम्मीद अभी ये जनवरी में ओपन होंगे, जनवरी में जैसे ही ओपन होते हैं तो मैं उसका डेमो भी आपको दे दूंगा। ये डिक्लेरेशन भी सभी कैंडिडेट्स ने फिलअप करना है, कोई भी कैंडिडेट ये ना हो अभी ये डिक्लेरेशन फिलअप ना करे। उसके बाद ये एडमिट कार्ड का भी आपने डिक्लेरेशन फिलअप करना है। ठीक है जी, यहाँ पे सारे आपने फिलअप करने, और मेन ये वाला नीचे वाला फॉर्म आपने फिलअप नहीं करना, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद और ये गेम वाइज आगे आगे
ये भी पर्सनल सर्टिफाइड करना है, ये डिपार्टमेंट करेगा, अपने कुछ नहीं इसमें करना। और उसके बाद ये फॉर्म नेशनल गेम, इंटरनेशनल गेम, ठीक है, इस तरह जिस जिस गेम के लिए आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है उसके हिसाब से आपने सारे फॉर्म भरने हैं। ये देखिए, ठीक है जी, अलग अलग गेम के लिए अलग अलग है, ये नेशनल गेम्स के लिए है जो कि स्कूल में खेली जाती है। और उसके बाद ये फिजिकल प्रोफिशिएंसी परफॉर्मेंस टेस्ट है जो कि सोशल वेलफेयर सोसाइटी से आपका वेरीफाइड होगा, फिर आपने ये भी साथ में भेजना है। जो कैंडिडेट रिलैक्सेशन चाहते हैं वो कैंडिडेट सिर्फ इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, अगर अदरवाइज आप इसको फिलअप नहीं करेंगे। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन और अपडेट आती है भाई आपने कब से फॉर्म फिलअप होने शुरू हो चुके हैं, कब से डेट है, वो भी आपको इस चैनल पर मेंशन कर दी जाएगी। सबसे पहले अगर आप स्पोर्ट्स कोटे से खेले हुए हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आप इस चीज़ का जरूर नोटिफाई कीजिए, जरूर ध्यान रखिएगा भी जैसे ही पोस्ट खुलती है सारी के सारी पोस्ट आपने इसी हिसाब से फिलअप करनी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी है, और सबसे बड़ी बात आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे 1000 आज सब्सक्राइबर कल पूरे हो गए हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारा सहयोग बढ़ाते रहिए, और भी हमें इसी तरह आपके लिए और भी अपॉर्चुनिटीज़ इस चैनल पर लाएंगे, आपके लिए जॉब के साथ साथ हम स्टडी मटेरियल भी लाने जा रहे हैं। जैसे जैसे आप और भी हमें रिस्पॉन्स करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन प्रेस करोगे, उसी तरह से हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, जैसे जैसे बढ़ेंगे और हमारा चैनल मोनेटाइज होगा तो आपके लिए और भी स्टडी मटीरियल एक से एक बढ़ के आपके लिए स्टडी का जॉब के रिगार्डिंग लाएंगे, जो कि 101% जेन्युइन होगा, 100% जेन्युइन चीज़ होगी जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत बढ़िया कह लें सहयोग करेगी। ठीक है जी, इसके लिए आपने सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है ताकि हमारा हौसला बढ़े, आपके शेयर से हमारा हौसला बढ़ता है, लाइक से हमारी हिम्मत बढ़ती है। ठीक है जी, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।